हेलो, हेलो निशि, कहाँ हो तुम? बोलो। मैंने कहा था ना आज घर पे रहना। वो मेरे बहन को देखने लोग आए थे और ओ अनु भी जिद कर रही थी। कोई खास बात है क्या? नहीं, कुछ खास नहीं है, बस मेरा प्रमोशन हुआ तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन, मतलब तुम्हारी सैलरी बढ़ जाएगी। नेचुरली। वाओ, मुझे नेक्स्ट मंथ ना डायमंड का सेट लेना है। मैं उसको अनु की शादी में पहनूंगी। ओ तो मतलब शादी फिक्स हो गई है ना? लग तो रहा है कि इस मंथ तक फिक्स हो जाएगी। एक्चुअली मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता था बस। आई नो बाबा, तो रात को लौट रही हो ना? सॉरी अमित। वो क्या है ना, अनु बहुत जिद कर रही है और घर वाले भी चाहते हैं कि मैं आज रात को आज उनके पास रुकूं। दीदी दीदी, इधर आओ ना दीदी। ओके अमित, मैं रखती हूँ, बाय। ठीक है, ओके, नो इश्यू। अरे तुम आ गए, तुमने बेल क्यों नहीं बजाई? मैंने सोचा तुम मायके से आए नहीं होगे। अच्छा अनीता दीदी, जल्दी से चाय बना दो ना, अमित आए हैं। ये अनिता दीदी कौन है? बताती हूँ, दरअसल मम्मी तुम्हारी तरक्की पे बहुत ज्यादा खुश है, तो उन्होंने कहा जल्दी से नानी बना दो। तो मैंने कहा अमित तो दिन भर ऑफिस में रहते हैं, मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मेरा ध्यान कौन रखेगा, अच्छा इसीलिए उन्होंने दीदी को साथ में भेज दिया। वो मुझे बचपन से जानती है, मेरी देखरेख भी वही करती थी। अरे याद है, वो हमारी शादी पे भी आई थी। अरे माँ का फोन आ गया, लो दीदी भी आ गए। नमस्ते। वो नमस्ते। ऋषि की मम्मी ने मुझे भेजा है। बहुत अच्छा। खुश है आपकी तरक्की से। कह रही थी कि घर पे नन्ना मुन्ना आ जाए तो और ज्यादा खुश हो जाएगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। अच्छा सुनो, इधर आओ, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। सुन तो रही हूँ, बोलो ना। अरे बाबा, दूर से बताने वाली बात नहीं है ना, इधर आओ ना। वैसे यू आर लुकिंग। रुक क्यों गए? आई वॉन्ट टू लिसन मोर। तभी तो पास बुला रहा हूं। अच्छा बोलो। यू आर लुकिंग डैम गॉर्जियस। देखो आज मैंने विटामिन सी का क्रीम लगाया है एंड आई एम वेरी टायर्ड नाउ। सुबह घर का इतना सारा काम भी होता है। गुड नाइट। ओके, सो जाओ। अरे तुमने अब तक चाय खत्म नहीं की, क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ नहीं।
अच्छा सुनो, तुम सुनो, आज प्यार करने का बहुत मन कर रहा है, प्लीज मना मत करना। अच्छा आज तुम्हारा बॉडी लोशन, विटामिन सी, सनस्क्रीन, जो कहोगे सब मैं लगा दूंगा। अच्छा सुनो ना, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। आमिर, put the light off. क्या फर्क पड़ता है? You know ना, I don't like it. Okay, ठीक है, मैं लाइट ऑफ कर दूंगा। But I want to see you. Please. No, Amit, please light off कर दो। Okay, बाबा, okay. अब खुश? अमित, अमित उठो ना, तुम्हारे लिए बेड टी लाई हूँ। अमित उठो ना। अमित उठो ना बाबा। लो। चाय तो बहुत अच्छी बनाती हो। थैंक्स। सुनो ना, तुमसे एक बात करनी है। बोलो। मैंने एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया है, तो मैं सोच रही थी ना कि मेरा पूरा फोकस उस पे है। क्या कोर्स है? इंटीरियर डिजाइनर का। अच्छा, गुड। तो कल रात को हम दोनों के बीच जो भी हुआ, हम 2-3 महीना नहीं करते ना। लेकिन हम लोग शादीशुदा हैं। आई नो। फिर मैं लिविंग रूम में सो जाती हूँ। मैं ना इन सब चीजों से बहुत टायर्ड हो जाती हूँ, और घर का इतना सारा काम भी होता है, और अब तो पढ़ाई भी करनी है। ठीक है सुनो, तुम एक काम करना, तुम यहाँ सो जाना, मैं लिविंग रूम में सो जाऊंगा। थैंक्स। अब नहा लो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मैं भी तो दिन भर काम करता हूं, पर इतना नहीं थक जाता कि अपनी बीबी को भी टाइम ना दे पाऊं। पता नहीं क्यों ऐसा बिहेव कर रही है। अच्छा सुनो, मैं एक बार वहां पे सेटल हो जाऊं, फिर मैं वहां तुम्हें बुला लूंगा। सॉरी अमित, तुम जानते हो ना मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनसे दूर नहीं रह सकती। मेरे से दूर रह सकती है पर अपनी फैमिली से नहीं। ओके, नो इश्यूज, अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ध्यान रखना। तो ये थी अमित की शादीशुदा जिंदगी, जहां वो अपने जज्बात अपनी बीबी को समझाने में नाकाम रहा और नौकरी में तरक्की पाने के लिए आगे चल पड़ा। जहां उसकी मुलाकात उसे सीनियर मिस सुप्रिया से होती है और उन दोनों में दोस्ती का सिलसिला शुरू हो जाता है। आइए आगे देखते हैं कहां लेके जाती है ये दोस्ती। अरे ये अमित है ना। हेलो मिस्टर अमित, इधर इधर, आज ऑटो नहीं मिलेगी, मैं आपको छोड़ देती हूँ। नहीं नहीं आप जाइए, मैं चला जाऊंगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे आई इंसिस्ट, बैठ जाइए। अब चले।
आज अगर सही समय पे घर नहीं पहुंचेंगे तो कल लेट हो जाएंगे ऑफिस में। रास्ता बताना। हाँ बस यहाँ से लेफ्ट। मतलब कंपनी ने आपको उसी बिल्डिंग पे अकोमोडेट किया है। पता है मैं जब नई आई थी ना तो मुझे भी उसी बिल्डिंग पे अकोमोडेट किया था। ओह अच्छा। हाँ फिर जैसा होता है, काम अच्छा किया, उन्हें अच्छा लगा, प्रमोशन मिल गया। हाँ हाँ यहाँ से यू टर्न। हाँ 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 उसके बाद फिर? फिर क्या, नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो गई। मैं ना आपको वहां छोड़ रही हूँ। हाँ। वहां से आपकी बिल्डिंग नजदीक पड़ेगी। हाँ ठीक है ठीक है। ये रास्ता है ना। हाँ बस थोड़ा सा वो रही। बाय। ओके थैंक यू मैम। बी ऑन टाइम। ओके गुड नाइट। गुड नाइट। अरे अरे आप यहाँ शॉपिंग करने आई हूँ। ओके और आप? मैं बस ऐसे ही घूमने आया था। ओके और? बहुत से लोग शॉपिंग मॉल को घूमने की जगह समझते हैं। हाँ ऐसा तो है। शैल वी गो फॉर कॉफी? ओके नॉट अ बैड आइडिया। तो फिर चलिए। यहाँ पे पास में एक अच्छा कॉफी शॉप है। ओके लेट्स हैव इट। इजाजत हो तो मैं चलूं? आपको कहीं जाना है? नॉट एग्जैक्टली ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? आई गॉट योर पॉइंट। शाम को घूमने जाना है राइट? देखिए मैं तो यहाँ नया हूँ तो। मैं भी कौन सी पुरानी हूँ, एक साल पहले ही तो अपनी फैमिली के साथ यहाँ शिफ्ट हुई थी। ओह दैट्स नाइस कूल। फैमिली मतलब योर हस्बैंड? नो नो माय फैमिली माय मॉम। ओह ओके। एक बात पूछूं? श्योर। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मैं और मेरी तन्हाई। तन्हाई लेट्स गो। ठीक है चलिए। अच्छा एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। आप चश्मा पहन के ऑफिस आती हो एकदम सिंपल। और आज हाई हील्स डिजाइनर ड्रेस, आखिर राज क्या है? ऐसे इसलिए आती हूँ ताकि आप जैसे लोग मेरे पीछे ना पड़े। मोस्टली सीनियर्स जूनियर्स भी। मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे काम को देखें ना कि मुझे। ओ मैं आपका पीछा नहीं कर रहा हूँ। मेरे चश्मे पे ध्यान है, मेरी हाई हील्स, मेरे लेंस पे नजर है तुम्हारी, और FB में आई थिंक तुमने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजा है। इंस्टा पे फॉलो भी कर रहे हो एंड यू आर ट्राइंग टू टेल मी तुम मेरे पीछे नहीं पड़े हो। रियली मेन आर हिपोक्रेट्स। अरे तो एक नए शहर में एक अच्छा दोस्त मिल जाए तो उसमें बुराई क्या है? सॉरी टू से तुम बहुत बहुत खड़ूस हो यार। तुमसे कोई दोस्ती की उम्मीद कर भी कैसे सकता है? एक काम करो यहाँ पे उतर जाओ। क्यों? जब दोस्ती की उम्मीद ही नहीं तो गाड़ी में क्या कर रहे हो?
यहाँ सच में उतर जाऊं इस जगह पे? उतरो उतरो। मैम एटलीस्ट मेरे घर तक तो छोड़ दो, यहाँ पे इस रोड पे मुझे तो कोई ऑटो भी नहीं मिलेगी। बैठ जाओ फिर। थैंक यू। चले फिर। जी देखिए आप सीनियर हैं, मैं बुरा नहीं मानूंगा आपकी बातों का, आपके लिए तो हर जगह अपॉर्चुनिटी है। माय ऑल बेस्ट विशेस विथ यू, बेस्ट ऑफ लक। वो रही आपकी बिल्डिंग। इतनी जल्दी यार, मैंने तो सोचा था थोड़ा और घूमेंगे फिरेंगे। बाय। गुड बाय। गुड बाय के बच्चे क्या ना? आई मीन वो आपकी बिल्डिंग के पीछे अच्छा रेस्टोरेंट है, इफ यू डोंट माइंड हम लोग डिनर के लिए जा सकते हैं। क्यों इतनी इंसल्ट करके जी नहीं भरा अभी? जी तो भर गया है पेट नहीं भरा। डिनर करोगे मेरी तरफ से? चलो लेट्स गो। पैदल चलते हैं। चलो एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आपको क्या क्या पसंद है? जवाब नहीं दिया आपने। सबसे ज्यादा मुझे अकेले रहना पसंद है। और हाँ जब हम लोग साथ होते हैं ना सब कुछ अच्छा लगता है। सब कुछ? सब कुछ सब कुछ। हाँ I mean long drive, roaming here and there together, driving. अच्छा, मैं थक गई हूँ, उधर बैठने का है। चलो बैठते हैं। हेलो। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं ऑफिस में हूँ। अच्छा सुनो ना, मुझे अपने नाम का कार्ड छपवाना है इंटीरियर डिजाइनर का, और साथ में एक ऑफिस भी लेना है। क्या तुम मुझे इस बार ज्यादा पैसे भेज सकते हो प्लीज? ओके ठीक है मैं भेजता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। बाय। तुम्हारा घर काफी अच्छा है। लो। सारे हॉल्स फुल हैं। तुम मुझे पिक्चर दिखाने ले चलोगे? हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताने आया था। एक मिनट, मॉम का कॉल आ रहा है, एक मिनट। अरे हाँ हेलो। हाँ मॉम, नहीं नहीं बिजी नहीं थी। गुड मॉर्निंग। थैंक यू जगाने के लिए। मॉम को कॉल करना पड़ेगा, अब तक तो लगता है कोलकाता पहुंच गई होगी। ठीक है काट लो। Mm. Mm.
अरे ब्रश नहीं किया। सो व्हाट, अब तुम्हारी बारी। सच में तुम्हारे साथ उड़ रहा हूं, कहीं और जाना ही नहीं। जाने कौन दे रहा है। कौन है इस वक्त? तुम लेटो, मैं देखता हूँ। सुप्रिया, सुप्रिया, सुप्रिया उठो। अरे उठो ना, क्या हुआ अमित? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ जो छुपाया था। बहुत बहुत बार बोलने की कोशिश की, लेकिन तुम वादा करो, सुन के तुम छोड़ोगे नहीं मुझे। ठीक है, नहीं छोड़ूंगी, बोलो। मैं शादीशुदा हूँ और मेरी वाइफ गेट पे खड़ी है। क्या तुम ये बात मुझे पहले नहीं बोल सकते थे? मैं किसी का घर कैसे तोड़ सकती हूँ यार? आई एम रियली सॉरी यार, बट आई लव यू सो मच। प्लीज अभी खोलो दरवाजा, मैं ही खोलती हूँ। रुको, ये अमित का ही घर है ना? हाँ, आप बस ऊपर आइए। कहाँ है अमित? आप प्लीज ऊपर आइए। अमित कौन है ये? ये क्या कर रही है यहाँ पे? निशी, ये सुप्रिया है। मैं तुम्हें बता नहीं वाला था, पिछले 6 महीने से हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। शर्म नहीं आती है तुम्हें? तुमने क्या समझ के रखा है मुझे? और तुम्हारे जैसे लड़कियों की वजह से ना घर टूटता है। देखिए, ये आप दोनों का आपस का मामला है, मुझे कुछ पता नहीं था। I'm so sorry, अमित, I think I should leave। कोई कहीं नहीं जाएगा। और तुम निशी शर्मा बनके जो इतना हक जमा रही हो ना, तुमने कौन सी खुशी दी है मुझे? घर की बात कर रही हो? तो सुनो, उसी घर में मैं 3 साल से घुट घुट के जी रहा हूँ, सोशल प्रेशर के अंदर। मेरे घर वाले क्या कहेंगे? तुम्हारे घर वालों को क्या मालूम उनका दामाद कैसी जिंदगी बिता रहा है? मेरे माँ बाप। मैंने सब कुछ सुन लिया, अब मैं चलूं? कोई कहीं नहीं जाएगा, मैंने कहा है ना। मैंने बीवी होने के नाते अपने सारे ड्यूटीज को निभाया है, कभी कोई कसर नहीं रखी, मेरा कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं था। मेरा है, टाइम पर खाना खाने और सुधरने से प्यार नहीं मिल जाता, दोस्ती पूरी नहीं होती यार, प्यार मोहब्बत तो दूर की बात है। इस औरत को मेरी तरक्की, मेरे दिल से कुछ लेना देना नहीं है, लेना देना है तो सिर्फ मेरी सैलरी से। उसका कारण ये है कि इनको अपने मायके के अंदर वाहवाही जो लेनी है। बिल्कुल स्वार्थी इंसान हो तुम। हाँ हूँ मैं स्वार्थी इंसान, सुप्रिया के साथ भी मेरा स्वार्थी जुड़ा है, एक ही स्वार्थ है मेरा और वो है सिर्फ मेरी खुशी। आज की तारीख में बहुत खुश हूँ मैं। फिर तुम्हारे खिलाफ मैं डिवोर्स केस फाइल करूंगी, मेरे घर वाले तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। सोच लो, अब भी टाइम है तुम्हारे पास, वरना बहुत महंगा पड़ेगा। मेरे लिए रिश्ते में रहना ही भारी पड़ रहा है, तुमसे लड़ना भारी नहीं पड़ेगा। और सुनो, कोई कसर मत छोड़ना,
जो भी दिल में रहे ना डिमांड रख देना और मेरा लॉयर केस देख लेगा। Then I will see you in court. See you in court. देख लूंगी तुम्हें। सुप्रिया अब तुम जा सकती हो। हमारा आपस का मामला है। आपस में सॉल्व कर रहे हैं।